नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दिल्ली समेत बाकी राज्यों में जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही है, इसको लेकर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट तक जब ये पूरा मामला पहुंचा तो फिर केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि आपका नेशनल प्लान क्या है। इसके अलावा जब दिल्ली हाईकोर्ट में पूरा मामला पहुंचा था, उस वक्त भी दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि चाहे आप गिड़गिड़ाइए, चोरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी मरीजों को नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो साफ तौर से टिप्पणी कर दी गई दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि जो भी अड़चन डालेगा ऑक्सीजन सप्लाई में, उसको बख्शा नहीं जाएगा, फांसी के फंदे पर लटका देंगे। पांचवें दिन दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई तो फिर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से पक्ष रखा और कहा कि हम तो ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, दिल्ली सरकार से पूछिए कि वो ले क्यों नहीं रहे हैं। तो दिल्ली सरकार से पूछा गया, हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई आपको क्या समस्या है, जब केंद्र सरकार ऑक्सीजन पहुंचा रही है तो फिर आप उसे ले क्यों नहीं रही है, कहां समस्या आ रही है ये बताइए। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम भी ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पेशेंट्स तड़प रही हैं, तो ऐसे में हम भी नहीं चाहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने कुछ टैंकर्स भेजे हैं जो दुर्गापुर तक चले भी गए हैं, लेकिन वहां से दिल्ली पहुंचने में उनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये सारी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में हुई, जिसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर गेंद फेंकती हुई नजर आई और जो दिल्ली सरकार है वो केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई। और इन सबके बीच में दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पर टिप्पणी कर दी है कि अगर मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से या फिर किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर वो साफ तौर पर बख्शेंगे नहीं जो भी इस पूरे मामले में अड़चन पैदा करेगा। खैर, बता दें आपको, केंद्र सरकार की तरफ से जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका भी ये कहना है कि हम 24 घंटे काम कर रही हैं, अब आगे आकर दिल्ली सरकार को ही एक्शन लेना होगा। इन बातों से ही आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी हॉस्पिटल्स में हो रही है और इसका ठीकरा कैसे शासन प्रशासन एक दूसरे पर फोड़ रहा है। तो ये अपने आप में समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके से ठीकरा फोड़ा जा रहा है और मरीजों को कुछ नहीं मिल रहा है। खैर, इन सबके बीच राहत की बात यह है कि सर गंगाराम अस्पताल में लगभग 2.5 टन ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है और इसमें कई सारे मरीज थे जो हाई ऑक्सीजन जिनको जरूरत थी उनको फिलहाल उनकी नीड पूरी हो रही है और ये एक राहत की खबर निकलकर सामने आई है। खैर, आप बताइए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरीके से सवाल पूछा और फिर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर गेंद फेंकती नजर आई, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है और जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं।